जब हमारे दिमाग में कभी भी पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसकी बात आती है ना, तो हम सीधे दोष ठहराते हैं नरेंद्र मोदी को। लेकिन हम यह कभी नहीं सोचते कि जो पेट्रोल और डीजल है उसमें दोनों सरकार कर लगाती है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो आपने देखा कि अभी दीपावली के गिफ्ट के रूप में केंद्र सरकार ने हमें पेट्रोल में 5 रुपये और डीजल में 10 रुपये की छूट दी है, यानी कि केंद्र सरकार अपना एक जो टैक्स था उसे हटा दी है। तो अब सवाल उठता है कि आप देखें अपने राज्य सरकार को कि वो दीपावली के लिए कितनी छूट दे रही है, चाहे किसी भी तरह का। यानी कि आपको एक बात बता दूँ कि जो पेट्रोल और डीजल है उसमें जो अलग अलग राज्य की जो सरकार है अलग अलग अपना फिक्स निर्धारित करती है टैक्स लेने के लिए। और यह अधिकतर देखा गया है और अधिकांशतर राज्यों में यह देखा गया है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर जो पेट्रोल और डीजल में जो टैक्स हैं वो 40% तक हैं, यानी कि 30-40% के बीच में है। और हो सकता है जहां बीजेपी की सरकार है कहीं कहीं 20% है, कहीं 25% है, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ज़्यादा है। तो आप मान लीजिए कि 1 लीटर पेट्रोल में राज्य सरकार को 30-40 रुपये तक 1 लीटर में जाता है, लेकिन आप कभी यह नहीं देखेंगे कि केंद्र सरकार बदमाशी कर रही है या राज्य सरकार बदमाशी कर रही है। यदि राज्य सरकार भी यदि 20 रुपये की जगह पर 40 रुपये की जगह पर यदि 20 रुपये ले, 15 रुपये ले, 10 रुपये तक ले, तो इसमें हर किसी को कुछ न कुछ छूट मिलती। यानी कि 1 लीटर पर हमारे केंद्र सरकार द्वारा 30 रुपये 40 रुपये तक अगर नहीं लिया जाता तो उतना कम पड़ जाता, और यदि केंद्र सरकार भी कुछ कम कर दे तो और हो जाती, यानी कि 60 तक आराम से पेट्रोल डीजल का दाम आ जाता। लेकिन हम कभी भी देखेंगे तो हमें दोष देना है सिर्फ।